राधे अरे भैया, कुछ ऐसा बताओ जिससे संत के महात्म्य चिंतन में लाभ हो। अच्छा तो सुनो, एक बार देवर्षि के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि जगत में सबसे महान कौन है। उन्होंने सोचा कि चलो भगवान के पास, वहीं इसका ठीक ठीक पता लग सकेगा। राधे कृष्ण प्रणाम प्रभु। अरे नारद, आज यहाँ कैसे पधारे? हे भगवन, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस जगत में सबसे श्रेष्ठ कौन है। सबसे श्रेष्ठ नारद, सबसे बड़ी तो यह पृथ्वी ही दिखती है, पर वह समुद्र से घिरी हुई है, अतः समुद्र ही बड़ा दिखता है। पर समुद्र को तो अगस्त्य मुनि पी गए थे, इससे तो अगस्त्य जी ही बड़े हो गए। पर देखा जाता है कि वह आकाश में एक तारे की तरह चमक रहे हैं, इसका मतलब आकाश बड़ा दिखता है। पर भगवान वामन ने आकाश को एक ही पग में नाप लिया था, मतलब आकाश भी उनके सामने अत्यंत तुच्छ है। इस दृष्टि से तो भगवान ही सबसे श्रेष्ठ हुए, लेकिन नारद, वो भी सर्वाधिक महान नहीं, क्योंकि तुम्हारे हृदय में वे ही एक अंगूठाकार स्थान में सदा बंधे हुए देखे जाते हैं। इसीलिए भैया, तुमसे बड़ा कौन है? वास्तव में तुम ही सबसे महान सिद्ध हुए। नहीं नहीं प्रभु। इसीलिए भ्राता, जब संत इतने महान हैं कि उनके हृदय में भगवान बंधे हुए हैं, तो एक संत चरित्र सुनो। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी से उनके कुछ शिष्यों ने कुछ प्रश्न पूछे। हे गुरुदेव, कहा जाता है कि भगवान नाम से अंतःकरण की शुद्धि शीघ्र होती है, क्या भगवान नाम से भी श्रेष्ठ कोई और साधन है? जीव के स्वार्थ की दृष्टि से तो भगवत जन श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, क्या महापुरुष से भी बढ़कर कोई है? संतों की उच्चिष्ट प्रसादी। भगवन, क्या महापुरुष की उच्चिष्ट प्रसादी से भी अधिक कुछ श्रेष्ठ है? मैं तीन बार शपथ पूर्वक कहता हूँ कि महापुरुष की उच्चिष्ट प्रसादी से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। हे भगवन, महापुरुष की उच्चिष्ट प्रसादी का क्या अर्थ है? इसके दो अर्थ हैं। एक तो उनकी उपयोग की हुई कोई वस्तु और उनका खाया हुआ भोजन, और दूसरा उनके मुख से निकली हुई वाणी। हम उनके उच्चिष्ट प्रसाद में तो महत्व बुद्धि कर लेते हैं, परंतु उनके मुख से निकली हुई वाणी के प्रति उतनी महत्व बुद्धि नहीं रखते। इसी संदर्भ में तुम एक कथा सुनो। एक बार पूर्व जन्म में नारद जी दासी पुत्र थे और उनकी माता संतों के आश्रम में झाड़ू बुहारी का काम करती, तो इस कारण नारद जी को निरंतर संतों का संग प्राप्त होता और उन संतों की अनुमति से नारद जी उनके खाए हुए बर्तन में लगा हुआ जूठन खा लिया करते थे और उन संतों की विविध प्रकार से सेवा किया करते थे, उनके उपदेश अनुसार आचरण करते। धीरे धीरे उन संतों के समान ही उनका भजन होने लगा, उनका हृदय शुद्ध हो गया और उन्हें नारद की पदवी प्राप्त हुई। इसलिए यदि किसी को यह सौभाग्य प्राप्त हो, यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ है, परंतु
यदि भगवत कृपा से किसी को महापुरुष प्रसादी मिले तो उस मनुष्य को यह तीन काम अवश्य करना चाहिए, प्रसाद सेवन, गुरु सेवा और गुरु के मुख से निकली वाणी का अनुसरण। और यदि किसी कारणवश महापुरुष की प्रसादी प्राप्त न हो तो उनके मुख से निकली हुई वाणी उपदेश ही महाप्रसाद है। उसी का सेवन, मनन, चिंतन करते रहने से गुरुदेव एक दिन तुम्हें अपने समान ही बना देंगे, अर्थात तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाओगे। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ याचना करना चाहता हूँ। हाँ, कहो। हे नाथ, जिस प्रकार अन्य लोगों को आपने श्रीनाथ जी की विग्रह सेवा प्रदान किया है, उसी प्रकार मुझे भी सेवा प्रदान करें। हरि हरि जन के पट पटे, इसी की सेवा किया करो। चरितना बुध लखि पाय राधे राधे, अति विचित्र गति दून की, रसी कही समोझी सकाय राधे राधे। कुछ दिनों तक उस वैष्णव ने आचार्य श्री से प्रदत्त श्री केश राशि जी की सेवा की। अगर गुरुदेव मुझे श्रीनाथ जी की विग्रह सेवा प्रदान करते तो मुझे कितना सुख मिलता। मैं उनको स्नान कराता, वस्त्र आभूषण धारण कराता, परंतु इस केश राशि में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। क्या मैं उनसे पुनः एक बार प्रार्थना करूं? हाँ हाँ, एक बार फिर से प्रयास करता हूँ। परंतु जीव तो जीव है, अबोध अज्ञानी, महापुरुष के मर्म और महात्म से अनभिज्ञ, वह असमंजस में सक जाते हुए श्री वल्लभाचार्य जी के पास पुनः पहुँचा। महत जन तो हृदय के भाव जानते ही हैं। कहो वैष्णव, सेवा पूजा से आनंद अनुभव हो रहा है कि नहीं? हे कृपामय, जिस प्रकार अन्य वैष्णवों को श्री विग्रह की सेवा प्राप्त है, वैसे ही मुझे भी प्राप्त हो जाती तो अन्य की भांति मैं भी श्रीनाथ जी के विग्रह को स्नान, श्रृंगार, पोशाक धारण करवाता और उनकी रूप माधुरी का पान करता। सर्वप्रथम तुम इस केश राशि को यमुना जी में प्रवाहित कराओ। फिर आगे क्या हुआ? जैसे ही उस वैष्णव ने वल्लभाचार्य जी की केश राशि को यमुना जी में विसर्जित किया, कुछ क्षणों के लिए उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो एक एक केश राशि से अनेका अनेक श्रीनाथ जी प्रकट हो रहे हों। यह देखकर उसका हृदय कांपने लगा, पसीना पसीना हो गया और चित्कार कर उठा। हाय हाय, मुझसे ये कैसा अपराध हो गया? मैंने इतनी दुर्लभ निधि पाकर भी अज्ञानतावश उसे खो दिया। हाय, मेरी बुद्धि कितनी मलीन है। मेरे अपराध गोविंद राधे है अक्षम, किन्तु क्षमा दे बता। कृपामय क्षमा, दयामय क्षमा, मुझसे ये बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे ये बहुत बड़ा।
बड़ा अपराध हो गया, मुझसे ये बहुत बड़ा अपराध हो गया, कृपा मैं क्षमा। कोई बात नहीं। हाँ भैया, महापुरुष के जन्म कर्म सब दिव्य होते हैं और वह प्रेम के साकार वपू हैं। उनके रोम रोम में प्रियालाल खेलते हैं। तस्मिन स्तज्जने भेदा भावात्, उनके वस्त्र आभूषण, उनके श्रीअंग, उनके परिकर, उनकी वाणी, उनके समस्त वस्तु एवं क्रियाकलाप दिव्य चिन्मय होते हैं। चिन्मय अर्थात सच्चिदानंदमय। अतः इस तत्व को सर्वदा अपने मस्तिष्क में धारण करते हुए हमें अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। भैया, अब एक और संत चरित्र सुनाने की कृपा करें। श्री गौरांग महाप्रभु जी ने तीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिन मान दे कीर्तनीय सदा हरि। इन गुरु वाक्यों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से आत्मसात किया था सनातन गोस्वामी ने, जो श्रीमन महाप्रभु जी के षड गोस्वामियों में से एक हैं। भैया, अब उन्हीं के जीवन के कुछ कथा प्रसंग को श्रवण करो। पूज्य श्री सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु चैतन्य के दर्शनों के लिए व्याकुल होकर श्री ब्रज धाम से नीलांचलपुरी की ओर प्रस्थान किया। जंगल झाड़ियों की विषैली वायु के लगने से उनके संपूर्ण अंगों में भयंकर खुजली होने लगी। वे जहां खुजलाते वहीं घाव हो जाता और उसमें से पीव निकलने लग जाता। जैसे सरिता सावन में उमक कर समुद्र से मिलने को चलती है, उसी प्रकार भगवत प्रेमी जन को कब परवाह होती है कि आगे कौन सी बाधा शरीर में आ रही है। वे जैसे तैसे पूरी पहुँचे। उन्होंने सुना था कि श्री महाप्रभु जी जगन्नाथ मंदिर के आसपास ही रहते हैं, परंतु अत्यंत दीनता के वशीभूत हो वे श्री ठाकुर हरिदास जी का पता पूछते हुए उनकी कुटिया की ओर अग्रसर हुए। हरिदास जी, मुझे किस प्रकार से श्री महाप्रभु जी के दर्शन प्राप्त होंगे? सनातन महाशय, आप घबराइए नहीं, श्री प्रभु यहाँ नित्य प्रति ही आते हैं, वे अभी आते ही होंगे। प्रभु, सनातन जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। सनातन? सनातन यहाँ कहाँ? वो तो वृंदावन में है। प्रभु, वो आपके दर्शनों के लिए नीलांचल पधारे हैं। सनातन? सनातन? नहीं प्रभु, नहीं, मैं तो अधम नीच यवन संसर्गी हूँ, तिस पर भी मेरे संपूर्ण शरीर में खाज हो रहा है, आप मेरा स्पर्श ना करें। सनातन, आज हम कृतार्थ हो गए हैं। सनातन के शरीर की सुगंधि से हमारे लोक परलोक दोनों ही सुधर गए। महाप्रभु जी की अपार अनुकंपा को स्मरण कर उनका हृदय पिघल रहा था, आंखों से झरझर अश्रु प्रवाह हो रहे थे।
सनातन जी लगभग चैत्र मास में पुरी पधारे थे। वे भीतर मंदिर के दर्शन के लिए न जाकर दूर से ही मंदिर की पताका को प्रणाम कर लेते थे। शरीर का भोग बड़े बड़े महापुरुषों को भी भोगना पड़ता है। हाँ भैया, सच है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में भी कैंसर हो गया था। इसमें यह नहीं देखा जाता कि इनकी इतनी भक्ति है तो इनके शरीर में यह रोग क्यों आया। अरे, अगर वह संकल्प कर ले तो भव रोग का नाश हो जाता है। शरीर के रोग की क्या बात है, परंतु वे ऐसा चाहते ही नहीं। ऐसे ही सनातन जी के शरीर में दुख प्रदान करने वाली व्याधि उत्पन्न हुई, जिनके ऊपर श्री महाप्रभु जी का वरद हस्त हो, उनका कुछ प्रारब्ध बच सकता है क्या? यह भगवत लीला ही है। हम इसको नहीं कह सकते कि यह प्रारब्ध है। भक्तों का क्या प्रारब्ध, जिन्होंने अपना तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित कर दिया, उनका कौन सा प्रारब्ध बचा? पर लीला बिहारी अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए ही ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। जेठ का महीना था। प्रभु पुरी से 45 मील दूर यमेश्वर टोटा में भिक्षा करने गए हुए थे। उन्होंने सनातन जी को भी बुलवाया। मोर गौर हरी, 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 गौर मोर गौर हरी, मोर गौर हरी, गौर मोर गौर हरी, मोर चित चोर सोई गौर हरी, गौर कृपा कोर मोर ओर कबरी, मोर गौर हरी, मोर गौर हरी, मोर गौर हरी, मोर गौर हरी, मोर गौर रस सिर मोर हरी, बोलो रे कृपालु हरी बोल हरी, हरी बोल हरी, हरी बोल हरी, बोलो गौर हरी, बोलो गौर हरी, बोलो गौर हरी, गौर मोर गौर हरी, मोर गौर हरी, गौर मोर गौर हरी, मोर गौर हरी, गौर मोर गौर हरी। तुम किधर से आए हो? प्रभु, मैं समुद्र के रास्ते से आया हूँ। समुद्र के रास्ते से? वह तो बड़ा भी है और बहुत जलती हुई बालू है वहाँ। तुम उधर से क्यों आए? दिखाओ अपना पैर, दिखाओ, दिखाओ। देखो कितने बड़े बड़े छाले हो गए। तुम सिंहद्वार के रास्ते से क्यों नहीं आए? प्रभु, सिंहद्वार होकर जगन्नाथ जी के सेवक तथा दर्शनार्थी आते जाते रहते हैं। कहीं भूल से उनका स्पर्श हो जाए तो बड़ा अपराध बनेगा। मेरे शरीर की खाज भी उनके शरीर में लग जाएगी। इसी भय से मैं उधर से नहीं आया। सनातन, तुम धन्य हो। वास्तविक वैष्णवता का यही स्वरूप है। अपने में ऐसी दीनता और दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना तुम्हारे लिए कोई विधि निषेध नहीं है। तुम तो लोक मर्यादा से ऊपर हो। आहा, फिर भी तुम्हारी यह दीनतापूर्ण बातें सुनकर मुझे बहुत सुख मिला। वैष्णवों की वास्तविक मर्यादा यही है। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल।
मैं क्या करूं, कैसे करूं? महाप्रभु जी तो आलिंगन किए बिना मानते ही नहीं। कैसे करूं? ये बिना आलिंगन के नहीं रहते। अब मैं इस भयंकर अपराधी शरीर का अंत कर लूंगा। प्रभु के दर्शन तो हो ही गए हैं। रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी के दर्शन करके उन्हीं के रथ के नीचे प्राण त्याग दूंगा। अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगा। प्रभु बार बार आलिंगन करते हैं और उनके शरीर में यह गंदा पीव लग जाता है। मुझसे ये और सहा नहीं जाता। महाप्रभु इनके मनोभाव को समझ गए। सनातन, क्या अभी शरीर को समर्पित नहीं किया? क्या तुम समझते हो कि यह शरीर तुम्हारा है? क्या अब भी तुम्हारा अधिकार है इसको रखने या त्यागने में? अरे, जब गुरु को समर्पित हो गए तो ना तो कोई शरीर के अंग, ना शरीर के सुख दुख, ना तुम्हारी मनमानी, ना तुम्हारा कोई स्वभाव ही तुम्हारा रहा। अब मन, कर्म, वचन से पूर्ण समर्पण होना चाहिए। अब तुम्हारा अधिकार नहीं ना शरीर रखने की प्रार्थना करनी है, ना शरीर खोने का भय रखना है। बस अब अपने गुरु की रुचि में रुचि रखना है। तुमने शरीर त्यागने की बात सोची कैसे? यह परम पुरुषार्थ प्राप्त कराने वाला शरीर है। सनातन, अगर शरीर त्यागने से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता तो मैं हजारों बार त्याग कर देता। तुम्हारा यह सनातन नामधारी शरीर और मेरा शरीर अब दो नहीं है। वह मुझे समर्पित हो गया है, वह मेरा ही है। मैं अपने ही शरीर का आलिंगन करता हूँ। दान की हुई वस्तु पर देने वाले का अधिकार नहीं रहता। अब मैं इसका मनमाना प्रयोग करूंगा। तुम्हें इससे क्या मतलब? प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी आज्ञा उल्लंघन करने का सामर्थ्य ही किसमें है? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। महाप्रभु जी ने सनातन जी को खूब दुलार किया और पुनः आलिंगन करके भक्तों सहित अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान किया। सनातन जी ने उस विचार का तो परित्याग कर दिया, परंतु प्रभु के आलिंगन करने के कारण उनमें वह दुख बना ही रहा। वह सदा प्रभु से बचे रहने की चेष्टा करते, परंतु प्रभु प्रतिदिन उन्हें खोजकर आलिंगन करके ही जाते। इससे वह अंदर से बहुत व्यथित रहते। तो एक दिन उन्होंने अपने हृदय की बात जगदानंद पंडित से कही। जगदानंद जी, मैं क्या करूं? श्री महाप्रभु बिना आलिंगन के रहते ही नहीं। इसका कुछ समाधान बताइए। सनातन जी, जब आपने पूछा ही है तो मुझे लगता है कि आपका पुरी में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि आप पुरी में रहेंगे और महाप्रभु जी नित्य ऐसा करेंगे ही तो आपका दुख बना ही रहेगा। अतः आप रथ यात्रा दर्शन करके श्रीधाम वृंदावन पुनः लौटकर अपना साधन भजन कीजिए। हाँ, आपने उचित सलाह दी है। मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। अब मैं ऐसा ही करूंगा। एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने महाप्रभु जी से कहा। प्रभु, मुझे पंडित जगदानंद जी ने बड़ी सुंदर सम्मति दी है। क्या सम्मति दी है? उन्होंने कहा है कि रथ यात्रा के दर्शन करके मेरा वृंदावन चले जाना ही उचित रहेगा। जगदानंद? जगदानंद अपने आप को बड़ा भारी पंडित समझता है। बोलो, यह सनातन जी को शिक्षा देने लगा? अरे, हमें शिक्षा देता तो भी ठीक था।
सनातन जी को शिक्षा देने चला है। अरे इसके जैसे सैकड़ों को सनातन जी पढ़ा सकते हैं। यह चला बड़े लोगों को सम्मति देने। प्रभु, जगदानंद ने तो मेरे हित की ही बात कही है। आप मुझ पतित को स्पर्श करते हैं तो इस बात से मुझे बहुत कष्ट होता है। मुझे इस दुख से निवृत्त करने के लिए ही उन्होंने ऐसा कहा है। इसे सदैव मेरी ही चिंता लगी रहती है। यह सदैव यही सोचता रहता है कि मेरे शरीर को कैसे सुख पहुंचे। यह समझता नहीं कि वैष्णव का क्या महत्व है। वैष्णव स्पर्श से कैसा आनंद प्राप्त होता है। सनातन के शरीर को यह साधारण समझता है। इसे पता नहीं कि सनातन का शरीर चिन्मय है। यह जो खाज खुजली पीव दिखाई दे रहे हैं, यह तो मेरी प्रेम परीक्षा के लिए ही इन्होंने धारण किया है कि देखूं महाप्रभु जी घृणा करते हैं कि नहीं, स्पर्श करेंगे कि नहीं। परंतु मैं परीक्षा में असफल होने वाला नहीं हूं। जगदानंद, तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम इनके शरीर को सूंघकर देखो, कैसी दिव्य सुगंधि निकल रही है। प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप ऐसा कह रहे हैं? गुरुजन बड़ाई करे, यह तो बड़े दुख की बात सी लगती है। ना जाने कौन से जन्मों का पाप उदय हुआ है जो मैं ऐसा सुन रहा हूं। आहा, कितना सौभाग्य है जगदानंद जी का जो आप उन्हें डांट रहे हैं, और ये हलाहल विष मुझे क्यों पिला रहे हैं? प्रभु, अवश्य ही मुझ में कोई खोट है। जगदानंद जी से आप कितना प्रेम करते हैं कि माता की तरह उनकी भत्सना कर रहे हैं, और मेरे गले में प्रशंसा रूपी सर्पिणी क्यों बांध रहे हैं? प्रभु, हाय, त्रिलोकी में उससे बड़ा धनी कौन होगा जिनकी आचार्य पुत्र के समान भत्सना करते हैं। हाय, ऐसी प्रेममयी भत्सना तो बड़े भाग्यशाली को ही मिलती है। वह महानुभव धन्य है जिनकी गुरु आलोचना करते हैं। हे नाथ, मैं आपका बच्चा हूँ, आपके आश्रित हूँ। मुझे यह विष मत पिलाइए, मैं इसे नहीं सहन कर पाऊंगा। प्रभु, मैं इसे नहीं सहन कर पाऊंगा, मैं इसे नहीं सहन कर पाऊंगा।